हेलो एवरीवन, मेरा नाम है हर्षित। स्वागत है आपका मेरे चैनल टैग हर्षित में। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपको यूट्यूबर बनना है तो आपके अंदर क्या क्या स्किल्स होनी चाहिए, आपको क्या क्या सीखना चाहिए, सारी चीज़ आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। अगर आप इस दुनिया में कोई भी काम करते हैं, चाहे जॉब करते हैं, चाहे बिजनेस करते हैं, उसके लिए आपको कुछ ना कुछ सीखना जरूर पड़ता है। सपोज दैट अगर आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है, किसी कंपनी में जॉब करनी है, तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने के लिए आपको कोडिंग आनी चाहिए। जो कंप्यूटर की लैंग्वेजेस हैं लाइक C++, जावा, पाइथन वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ आपको आनी चाहिए। साथ में अगर आपको जिस कंपनी में जॉब करनी है उसमें कैसे इंटरव्यू होता है, उसमें क्या क्या आगे मतलब कि अच्छा अच्छा हो सकता है, किस प्रोजेक्ट पर काम करती हैं वो कंपनी, वो सारी चीज़ आपको पता होनी चाहिए। उसी तरीके से अगर आपको एक यूट्यूबर बनना है तो क्या क्या आपको पता होना चाहिए, क्या क्या आपके अंदर स्किल्स होनी चाहिए एंड क्या क्या आपको सीखना चाहिए, सारी चीज़ आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। इसलिए जानने के लिए वीडियो को आप एंड तक देखना, स्किप बिल्कुल भी मत करना। और उससे पहले अगर पहली बार आ रही हूँ चैनल पर तो सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। शो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स बिगिन। तो यार, मैं आपको जितनी भी चीज़ें इस वीडियो में बताऊंगा सभी चीज़ें आपके अंदर होनी ही चाहिए। नंबर फर्स्ट चीज़ ये है कि आपको किसी एक डोमेन में स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा। कहने का मतलब है आपको कोई एक निच सेलेक्ट करनी है, कोई एक कैटेगरी सेलेक्ट करनी है जिसमें आपको अच्छा खासा नॉलेज हो, जिस पर आप लाइफ टाइम वीडियोस क्रिएट कर सकें। सपोज दैट आपको अच्छा खासा नॉलेज है यूट्यूब टिप्स एंड ट्रिक्स का, आप यूट्यूब में एक्सपर्ट हैं, यूट्यूब चैनल कैसे बनाते हैं वगैरह वगैरह, क्या क्या सेटिंग्स होती हैं, तो आप यूट्यूब टिप्स एंड ट्रिक्स का यूट्यूब चैनल ओपन करेंगे जहां पर आप शेयर करेंगे लाइक 1000 सब्सक्राइबर कैसे करें, पोस्ट टाइम पूरा कैसे करें, मोनेटाइजेशन में ये दिक्कत है, इसका ये सोल्यूशन है वगैरह वगैरह। तो कोई ऐसा टॉपिक सेलेक्ट करना है जिस पर आप लाइफ टाइम वीडियो क्रिएट कर सकें। अब ऐसा नहीं है कि आप बिना सीखे लाइफ टाइम वीडियो क्रिएट कर सकते हैं किसी कैटेगरी में, आपको हर दिन कुछ ना कुछ नई चीज़ सीखनी पड़ेगी, रिसर्च करनी पड़ेगी। यस, तो अगर आपको यूट्यूबर बनना है तो किसी एक डोमेन में पहले स्ट्रांग हो, पता करो आपको किसके बारे में अच्छी खासी नॉलेज है, एंड हाँ, लाइफ टाइम आपको रिसर्च तो करनी पड़ेगी अगर आप एक यूट्यूबर बनते हैं। नंबर सेकेंड चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके अंदर कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी या कहें तो यूनिकनेस ज़रूर होनी चाहिए। YouTube पर पहले से बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर अवेलेबल हैं, तो आपको क्रिएटिविटी लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ ना कुछ आपको अलग चीज़ करनी पड़ेगी तभी आपका चैनल ग्रो हो सकता है जल्दी। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, टैक बर्नर आपने YouTube चैनल देखा था, उससे पहले बहुत सारे टेक्नोलॉजी के चैनल थे लेकिन वो सभी लोग सिर्फ और सिर्फ ज्ञान बांटते थे, हंसी मजाक कोई नहीं करता था, तो लोगों को थोड़ा सा बोरिंग लगने लगा था टैक। लेकिन जब टैक बर्नर ने यूट्यूब चैनल अपना स्टार्ट किया तो उन्हें टेक्नोलॉजी का ज्ञान देने के साथ साथ उसमें बीच में मजाक वगैरह सब कुछ क्रिएट किया, मतलब एक टेक्नोलॉजी की वीडियो उसमें आपको ज्ञान भी मिल रहा है, हंसी भी मिल रही है एंड सारी चीज़ आपको मिल रही है, मतलब एक वीडियो से ज्ञान भी और साथ में हंसी भी एंड इंटरटेन भी हो जाए उसी वीडियो से। तो उनका चैनल काफ़ी ज़्यादा ग्रो हुआ एंड आज के टाइम पर उनके चैनल पर काफ़ी ज़्यादा व्यूज आते हैं। क्यों? उनकी ये क्रिएटिविटी थी कि हम टैग के साथ हंसी मजाक भी करेंगे, लोगों को पसंद आएगा। इसी तरीके से आपको कोई एक नया आइडिया लाना है, कुछ क्रिएटिविटी आपको लगानी है, कुछ नई यूनिक चीज़ लेके आनी है ताकि लोग आपसे ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेक्ट हो सकें। नंबर थर्ड चीज़ एंड बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको वीडियो शूटिंग की बेसिक नॉलेज होनी ही चाहिए। अब आप यूट्यूबर हैं तो आपको वीडियो क्रिएट करना पड़ेगा, शूट करना पड़ेगा। शुरुआत में जब आप छोटे यूट्यूबर होंगे तब कोई आपकी टीम वगैरह नहीं होगी, आपको खुद ही शूट करना होगा, सारी चीज़ आपको खुद ही करना होगा। तो आपको बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए, जैसे कि ट्राइपॉड क्या होता है, माइक क्या होता है, कैसे हम अच्छी शूटिंग कर सकते हैं, कहाँ का लाइट लगानी है, किधर लगानी है, किधर लगानी है, ऊपर लगानी है, ग्रीन स्क्रीन क्या होता है वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ आपको पता होनी चाहिए। जरूरी नहीं है कि आप एडवांस पता हो, लेकिन बेसिक आपको चीज़ें पता होनी ही चाहिए। आप यूट्यूब से ही सीख सकते हैं, लेकिन ग्रीन स्क्रीन क्या होता है, ट्राइपॉड क्या होता है, ये सारी चीज़ आपको बेसिक जितनी भी चीज़ें हैं वो सभी आपको पता होनी ही चाहिए। नंबर फोर चीज़ है, वो है कि आपके अंदर वीडियो एडिटिंग स्किल होनी चाहिए। आपको वीडियो एडिटिंग सीखना ही पड़ेगा अगर आप यूट्यूबर बनेंगे, क्योंकि आपने जो वीडियो शूट की हो सकता है उसमें आप कहीं रुक गए हो, भूल गए हो, उसको कट लगाना हो, उसमें कुछ अफेक्ट वगैरह लगाने हो, कुछ टेक्स्ट लगाना हो, कोई इमेज एड करनी हो, तो वो सभी आती है वीडियो एडिटिंग में। तो आपको वीडियो एडिटिंग आनी ही चाहिए, जरूरी नहीं है एडवांस। वीडियो एडिटिंग एक बहुत एडवांस्ड कॉन्सेप्ट है, जो आप टीवी पर मूवीज वगैरह देखते हैं सभी वीडियो एडिटिंग ही होती है उसमें, आप जो भी देखते हैं वो बहुत एडवांस्ड वीडियो एडिटिंग होती है, लेकिन आपको बेसिक वीडियो एडिटिंग आनी चाहिए, जरूरी नहीं है एडवांस्ड है, ठीक है। नंबर फिफ्थ चीज़ एंड बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है ग्राफिक डिजाइनिंग। यस, आपको ग्राफिक डिजाइनिंग भी थोड़ी बहुत आनी चाहिए, क्योंकि थंबनेल आपको खुद ही क्रिएट करने पड़ेंगे। थंबनेल होता है फर्स्ट इंप्रेशन, जब आपकी वीडियो किसी के सामने जाती है तो उसको थंबनेल ही शो होता है, तो अगर आपका थंबनेल ही अच्छा नहीं होगा तो लोग क्लिक नहीं करेंगे, इसलिए थंबनेल आपको बनाना आना चाहिए एंड थोड़ा सा अट्रैक्टिव। अगेन मैं आपको एक चीज़ कहना चाहूँगा, अगर आपको एक यूट्यूबर बनना है तो आपको बेसिक चीज़ें आना कंपलसरी है, जैसे कि वीडियो एडिटिंग,
ग्राफिक डिज़ाइनिंग वगैरह वगैरह, इनकी बेसिक नॉलेज होना आपको कंपलसरी है। अगर बेसिक नॉलेज नहीं होगी तो बिल्कुल आप सक्सेसफुल यूट्यूबर मुश्किल ही बन पाए, ठीक है। ज़रूरी नहीं है प्रोफेशनल सीखे सारी चीज़ें, और बेसिक आना बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल से समझते हैं, अगर कोई यूट्यूबर है उसको वीडियो एडिटिंग बहुत अच्छे से आती है, मतलब बहुत ही अच्छे से आती है, प्रोफेशनल है वीडियो एडिटिंग में, लेकिन ग्राफिक डिज़ाइनिंग बिल्कुल भी नहीं आती है, थंबनेल तो बिल्कुल भी नहीं बना पाता है, तो जब वो वीडियो यूट्यूब पर अपलोड करेगा तो वीडियो एडिटिंग तो बहुत अच्छी होगी लेकिन थंबनेल नहीं लगा होगा वीडियो पर, तो लोगों के पास जाएगी वो वीडियो, लोग क्लिक नहीं करेंगे क्योंकि लोगों को पता ही नहीं चलेगा कि वीडियो में है क्या एग्जैक्टली, थंबनेल तो लगा नहीं है, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। वहीं पर दूसरा यूट्यूबर है, उसको थोड़ी सी थंबनेल की नॉलेज भी है, थोड़ी वीडियो एडिटिंग की भी है वगैरह वगैरह, तो वो थंबनेल भी लगाएगा वीडियो एडिटिंग भी करेगा, सारी चीज़ अच्छी नहीं करेगा लेकिन हाँ करेगा सारी चीज़, तो उसका चैनल ग्रो होने के ज़्यादा चांसेस रहेंगे क्योंकि उसने थंबनेल भी लगाया है, वीडियो एडिटिंग भी की है और भी काम किया है, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए अगर आप यूट्यूबर बनना चाहते हैं। एक और चीज़ बताऊंगा, नंबर 6 चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको थोड़ा सा टेक्निकल इन्फॉर्मेशन होनी ही चाहिए, जैसे यूट्यूब पर वीडियो अपलोड कैसे करना है, ठीक है, टाइटल कैसे लिखना है, डिस्क्रिप्शन कैसे लिखना है, टैग कैसे डालना है, प्लेलिस्ट क्या होती है वगैरह वगैरह, आपको नॉलेज होनी ही चाहिए। ये कुछ इस तरीके से है कि आप जिस कंपनी में इंटरव्यू देने जा रहे हैं, जिसमें आप काम करने वाले हैं फ्यूचर में, उस कंपनी की इन्फॉर्मेशन आपको होनी चाहिए कि कंपनी में किस तरीके से काम होता है, वर्किंग डेज कौन कौन से होते हैं वगैरह वगैरह। उसी तरीके से अगर आप यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको यूट्यूब के बारे में नॉलेज होना चाहिए, यूट्यूब के क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है वगैरह वगैरह, ये सारी नॉलेज आपको होनी ही चाहिए। तो थोड़ा तो एसईओ वगैरह आप सारी चीज़ YouTube से ही सीख सकते हैं, कुछ YouTube की सेटिंग्स वगैरह होती हैं वो सभी आपको पता होनी ही चाहिए। तो ये कुछ चीज़ें मैंने आपको इस वीडियो में बताई, ये सारी चीज़ आप सीख सकते हैं अगर आप एक यूट्यूबर बनना चाहते हैं। बाकी YouTube टिप्स एंड ट्रिक्स के ऊपर काफ़ी मेरे चैनल पर आपको वीडियोस मिल जाएंगी, आप चेक कर सकते हैं, आपको जितनी भी YouTube के बारे में नॉलेज है सभी आपको मेरे चैनल से मिल जाएगी। सो कैसा आई होप वीडियो आपको पसंद आएगी, अगर पसंद आएगी तो लाइक करें, साथ ही सब्सक्राइब करें चैनल को, बेल आइकन को प्रेस करें, इसी तरीके की और भी वीडियोज़ मैं चैनल पर लाता रहता हूँ। सो बस इस वीडियो में इतना ही, मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।